तेरी हवाओं तेरी फजाओं की खैर मेरे वतन, तेरे दरियाओं तेरे पहाड़ तेरे नदी नालों की खैर, तेरे असीर फयास तेरे जवान पाक बात रहें, तेरे ताजिर दयानतदार और तेरे मुनसिफ आदिल और तेरे सियासतदान नेक नियत हों, तेरे सहाफ़ी बहादुर और बेबाक रहें और तेरे इन नजरियात और एहसासात की भी खैर हो मेरे वतन जिस पर हमने तेरी मुकद्दस इमारत की बुनियाद रखी। या अल्लाह मेरे वतन को सलामत रखना, या अल्लाह आमीन। अल्लाह आया दादाजी। हमारे लिए भी दुआ की दादाजी। हाँ भाई क्यों नहीं, तुम तो मेरी हर दुआ में शरीक होते हो। शाबाश, हम समझ गए थे दादाजी। हाँ आए। मेरे प्यारे डैडी, आप तो जानते ही हैं ना कि इस वक्त जो है दादा जान पार्क में वॉक कर रहे होंगे या फिर दादी जान की कब्र पर फातिह खवानी कर रहे होंगे। अच्छा ये बताइए कि मम्मी कहाँ, मेरी उनसे बात करवाइए। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। अच्छा ये बताओ कि भूख लग रही है तुम लोगों? इतनी ज्यादा लग रही है अल्लाह। और तुम लोगों को भूख लग रही है? बिल्कुल सर। अच्छा एक काम करो, तुम सब लोग जो है ना कैंटीन में जाओ और जो पसंद है वो ऑर्डर कर लो, मैं जो है ना लाइब्रेरी से होके आ रहा हूँ। ठीक है? ठीक है, जल्दी आना। अच्छा ये बैग यहीं पड़ा हुआ। ठीक है ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, जब तक तुम लोग जाके ऑर्डर कर लो ना, वो भी टाइम लगाएगा, हम बाद में आ जाएंगे। ठीक है? अच्छा अब क्या करना है, क्लास लेनी है? मेरा कोई मूड नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। गुड, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि 3 दिन बाद हमारा यौम आजादी है, लिहाजा हर साल की तरह इस साल भी हम पूरे जोश और खरोश के साथ ये दिन मनाएंगे जैसे पिछले सालों से मनाते आ रहे हैं। ठीक है? बिल्कुल सर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। किरण जो मैंने आपको लिस्ट दी थी वो आप बाद में देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से आवाज तो आपकी भी अच्छी है, मेरी गाना आप गा सकती हैं। सर मैं गाऊं? सर वैसे आवाज तो आफ्ताब की भी अच्छी है, आप उससे कहिए ना कि ये मिली नगमा वो परफॉर्म कर दे। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। आफ्ताब के पास अल्फाजों का जखीरा है, लिहाजा इस यौम आजादी के दिन पर मैं चाहता हूँ कि उसे पेट्रियोटिक स्पीच तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपूं। वो
है कहाँ? सर एक्चुअली उसे एक बुक चाहिए थी, अभी अभी लाइब्रेरी गए। सर वो लाइब्रेरी तक गए? अच्छा अच्छा, ये सर आ गया। गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून, कैसी चल रही पढ़ाई? सर बस सो सो, बल्कि मुझे मालूम है, बल्कि पूरा यकीन है कि तुम पूरा साल भी अगर किताबों को हाथ ना लगाओ ना, जब भी पोजीशन तुम ही ले जाओगे। ये बहुत बड़ी जर्रा नवाजी हो पुरानी की तुम पर। थैंक यू सर। तो फिर काम की बात शुरू करें। कौन सी काम की बात सर? अरे भाई कल तुम्हारी मेरी जो डिस्कशन हुई है। अच्छा वो स्टेज पर स्पीच देने वाली? बिल्कुल। सर आपका क्या ख्याल है, क्या मैं स्टेज पे स्पीच दे पाऊंगा? भाई क्यों नहीं, तुम जोशीले हो, पूरे इत्माद हो और तुम्हारी आवाज भी बहुत अच्छी है। सबसे बढ़कर आफताब, तुम्हारे पास अल्फाजों का अनमोल जखीरा भी है। मेरे ख्याल से तुम ये काम कर सकते हो अच्छी तरह से। ओके सर। ठीक है तो फिर बी रेडी फॉर टुमारो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके ओके सर, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। आप प्लीज कंटिन्यू करें। जी सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। टेक केयर। ये लो रकम, जितने तुमने मांगी थे उससे ज्यादा ये कम नहीं। समझो तुम्हारा काम हो गया। काम तो हो जाएगा, लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि इस मामले में आफ्ताब को खराश तक ना आए। बस तुमने किरण को सबक सिखाना है। तुम भी कमाल करती हो मैडम, ऐसे मसलों में छोटी मोटी खोज तो आ ही जाती है। टेंशन नहीं लो। बिल्कुल नहीं, मामूली सी चोट तो दूर की बात है, खराश तक ना आए आफ्ताब को, माइंड इट। ठीक है। सबोई मेरी एक हेल्प कर दोगी? देखो आफ्ताब, फिलहाल मैं तुम्हारी एक हेल्प कर सकती हूँ कि इन चार पेस्ट्रीज का बिल मैं अपनी पॉकेट से पे कर सकती हूँ। इसके अलावा फिलहाल मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती, सॉरी। क्या मतलब? अरे मैडम, मुझे बिल पे करने में तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। जो प्रोफेसर हशमत ने मुझे तकरीर करने का कहा है ना, उसे लिखने में तुम्हारी हेल्प चाहिए। तो इसके लिए तुम अपनी उस दुम छल्ले किरण के पास जाओ, ना कि मेरे पास। मैं तो वैसे भी दूसरे ग्रुप की हूँ। वो आ जाए नहीं है ना, तभी तो तुम्हारी मदद चाहिए। लो कॉल आ गई किरण की। हाँ किरण। अच्छा चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर। बाय। मैं उसे जाके लिखवा लूंगा, तुम ये खा लो। मौसम कितना अच्छा हो रहा है ना, अगस्त में कितनी बारिश होती है। बारिश तो अच्छी होती है ना, है ना? क्या बदतमीजी है, क्या हो गया? ये बदतमीजी नहीं है बेबी, ये तो मलिक का स्टाइल है। क्या स्टाइल आया समझ? तो मिस्टर मलिक, अपना स्टाइल उन्हें दिखाना जो तुम्हारी भपकियों से डर। आफ्ताब आफ्ताब आफ्ताब, क्यों अपनी टांगों का दुश्मन बना हुआ है आफ्ताब? चुपचाप अच्छे बच्चों की तरह इस डब्बे में अपनी औकात के मुताबिक चंदे की रकम डाल दे। चंदे की रकम या फिर खैरात? आफ्ताब ये तो ज्यादा कह रहा है। क्या कर रहे हो मलिक? ये क्या कर रहे हो? छोड़ो ये, छोड़ो इसे, क्या कर रहे हो? क्या हो रहा है? हां क्या हो रहा है? सर मैं आपको बताती हूँ। तुम्हें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरा और इसका मामला है और मैं खुद निपट लूंगा। और हाँ, तुम सबसे भी। यार
चलो सब अपने अपनी क्लासों में जाओ, चलो चलो। सर लेकिन सर वो मैम आप लोग अब कहाँ जा रहे हैं? तुम्हें मैंने बताया था ना, मिट्टू पान वाले भाई जो हैं, उनकी शॉप पर जा रहा हूँ। क्यों? वो इसलिए मैडम कि वो अपने मुल्क से बहुत प्यार करते हैं, तो हो सकता है कि यौमे आजादी के सिलसिले में कोई अच्छी टिप्स मिल जाए। ओ अच्छा, इसलिए ठीक है फिर चलते हैं। लो भाई आ गए, तुम यहीं बैठो। अभी तो गया था, हॉर्न पे हॉर्न बजाई जा रही है। अरे तो इसलिए बजा रही थी क्योंकि 50 कॉलें आ चुकी हैं करीम भाई की, फोन करके पूछो क्या हुआ है। अच्छा, अरे हाँ देखो, 2 मिनट में इतनी कॉल्स कर ली उन्होंने। हेलो करीम भाई जी, वो मैं बस अभी, पर अभी तो 3 बज रहे हैं ना, मैंने तो उन्हें 4 बजे का टाइम दिया था। अच्छा आप एक काम कीजिए, उन्हें बिठाइए और चाय बनाइए, मैं भी आ रहा हूं। ठीक है जी जी, अल्लाह हाफिज। वो दादा जान का जो है यौमे आजादी के सिलसिले में आपका नाम ही आफ्ताब अहमद है? जी जी मैं ही। जी वो केयर ऑफ नबील, मेरी ही बात हुई थी आपसे। जी बिल्कुल, लीजिए चाय पीजिए। बदतमीज, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, अभी सारी चाय मुझ पे गिर जाती। वो एक्सक्यूज मी, थोड़ा कूल डाउन हो जाए, इतना गुस्सा करने वाली बात तो नहीं, और वैसे भी गलती आपकी थी, करीम भाई की तो गलती नहीं थी। ताज्जुब है, आप जानते बूझते एक नौकर की तरफदारी कर रही हैं। कितनी हिकारत से तुमने मेरे करीम को नौकर कह दिया। अरे नौकर तो तुम भी हो अपने इदारे की। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आप एक नौकर को डांटने के बजाय उल्टा। बंद करो ये नौकर की गर्दान करता। ये बात कोई नहीं जानता कि मैं करीम की मरहूमा माँ जन्नत बीबी के आंचल का मकरूर हूं। तकसीम वक्त से लेकर आज तक मकरूर हूं, और जब तक ये सांस चल रही है मकरूज रहूंगा। करीम मुझे मेरे कमरे में ले जाओ। प्लीज आप लोग भी जाइए। चलो Thank you.
क्या हुआ? देर से अकेले बैठे क्या सोच रहे हो? मैं दादाजान के उस जुमले के बारे में सोच रहा हूँ। कौन सा जुमला? वही कि वो अपनी आखिरी सांस तक करीम भाई की वालदा के आंचल के मकरूज रहेंगे। जन्नत बीबी का आंचल, राइट? इतनी क्या स्टोरी है इसके पीछे? लेकिन जो भी स्टोरी, ये अनफोल्ड जरूर होनी चाहिए ना, ताकि कल को अगर हमारे बच्चे हो, कम से कम एटलीस्ट एक क्या हमारे बच्चे। किरण, तुमने यही बोला है? जी किरण, तुमने हमारे बच्चे को। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा किरण। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये मतलब नहीं था। करीम भाई। जी छोटे साहब। उस रिपोर्टर की बात का बुरा मत मानिए। अरे जाने दे छोटे साहब, आपका कसूर थोड़ी है। अच्छा ये बताइए कि दादा जान का गुस्सा ठंडा हुआ? झाग की तरह बैठ गया है, आपको याद कर रहे थे। अच्छा कौन सा मिल के आता? आ जाओ मियाँ, आ जाओ। हाफ्ता मियाँ, वो तुम्हारी 14 अगस्त वाली तकरीर मुकम्मल हुई या अभी तक हवा में गोते लगा रहे? दादाजान कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन। लेकिन क्या ताज्जुब है? जिस मिट्टी ने तुम्हें धूप लगी तब छांव दी, भूख लगी रोटी दी, उसी मिट्टी की शान में तुमसे दो जुमले नहीं लिखे जा रहे? हराम है, हमारी यूथ कहां से कहां निकलती जा रही। दादाजान प्लीज आप ही कोई अच्छी टिप दे दें। अरे टिप शिव क्या होती है? जिस दिन तुम इस मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर उतार लोगे तो अल्फाज खुद ब खुद तुम्हारे जहन में आकर कैद हो जाएंगे। मुमकिन है दादा जान? आसमान कर देख लो बेटी, आसमान कर। मिट्टी की खुशबू को अपने अंदर। करीम, ये तू कहाँ, क्या बात क्या है? ये तेरी आंखों में नमी नमी सी बह रही है, बता ना क्या बात? बोल बोल ना। माँ याद आ रही थी दादाजी। कभी-कभी अकेले में अपनी यतीमी को याद करके छुप-छुप के रोया करता था, मगर अपने वालदेन से आपकी अकीदत का इजहार थे
और जो आप मुझसे प्यार करते हैं दादाजी, और जो शौकत करते हैं, उसे देखकर मुझे यकीन हो गया कि मैं यतीम नहीं हूँ, यतीम नहीं हूँ दादाजी। बाल बाबा करीम करीम करीम, ये मेरी मोहब्बत में तेरी आंखों में बहते हुए आंसू ही तो हैं जो कयामत तक मेरी कब्र को तरस ताजा रखेंगे। चल ले चल मुझे ले चल बात चल 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 दादा को मेरा सलाम याद से दे देना, ठीक है? हेलो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आप दोनों की इम्तिहान की तैयारी कैसी जा रही है? सर अभी तक तो बस चल रही है, लेकिन हमें और मेहनत करनी है। श्योर, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? और हाँ, मैं आप लोगों से प्रोफेसर अनिला का तारुफ करवाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। और ये भी बताना चाहता हूँ कि अब से प्रोफेसर सिद्दीकी की हिस्ट्री की क्लास प्रोफेसर अनिला लिया करेंगी। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आफ्ताब, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने क्लास फेलोज के इंट्रोडक्शन प्रोफेसर से करवाओगे। ओके ओके सर। सो ऑल द बेस्ट, कैरी ऑन, थैंक यू। आपकी क्लास फेलोज की प्रोफेसर अश्विन ने बहुत तारीफ की है। पता है, आप दोनों से मिलकर इतना तो मुझे यकीन हो चला है कि उनका मुबालगा नहीं, उन्होंने सच्चाई से काम लिया है। थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया। बस आपसे फिर क्लास में मुलाकात होगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। थैंक यू। ओके। किसी सोचो नहीं दादा जान, अपने दादा से भी छुपाओगे? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं सोच रहा था कि वो छोटे साहब कुछ खाने को लाऊं, बिस्किट नहीं करीम भाई, थैंक यू। दादा जान, उस दिन जो आप रिपोर्टर से कह रहे थे कि आप करीम भाई की अम्मी के आंचल के मकरूज हैं। हाँ, वो तो हूँ। वो कैसे? दादा जान, आप अपने पोते को भी नहीं बताएंगे क्या? जरूर बता। चौदह अगस्त 1947 की रात आज भी मुझे याद है। हमारे घर जश्न का सा समा था। ऐसा वालदैन बहन भाई सब जश्न आजादी मना रहे थे। बल भाई हाथों में तलवारें लिए और लाठियां लिए हवेली के अंदर दाखिल हो गए और कत्ल व ग़ारत शुरू कर। करीम की वालदा जन्नत बीबी मेरी आया थी।
उनके आंचल में दो बच्चे थे, एक मैं और एक मेरा मामू। करीम को नहीं रही, जन्नत बीबी बलबाइयों के इरादे को भाप गई थी। उन्होंने क्या किया, अपने आंचल रहीम को निकालकर बलबाइयों के सामने फेंक दिया और मुझे अपने आंचल में छुपा लिया। इस तरह उन्होंने हक नमक अदा कर दिया, मुझे अपने आंचल में छुपा। बलबाइयों ने अपने भाले में एक माँ के मासूम बच्चे की बात हवेली में लगी हुई आग में झोंक ये ले छोटे साहब, आपकी फरमाइशी गर्मा गर्म चाय। शुक्रिया सलीम भाई। छोटे साहब, चाय तो आपने मंगवा ली है, मगर आपने जल्दी सोना है क्योंकि सुबह रोशनी बीबी को भी तो लेने जाना है होगा आपको। अरे अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया, मैं तो भूल ही गया था। शुक्रिया करीम भाई। नजरियात की भी खैर हो जिन पर हमने तेरी मुकद्दस इमारत की बुनियाद वैसे तुम्हारी फ्लाइट तो 3 घंटे पहले आ गई थी ना, फिर बाहर आने में इतना टाइम क्यों लग गया? मत पूछे भाई, आज तो कमाल ही हो गया। क्या कमाल हुआ? यही कि पूरे यूरोप, अमेरिका, फार ईस्ट, मिडल ईस्ट में बसने वाले तमाम पाकिस्तानियों ने इस दफा ये अहद किया है कि 14 अगस्त को वो अपने पाकिस्तान में आकर ही सेलिब्रेट करेंगे, और इसी वजह से काउंटर्स पर इतनी लंबी लाइंस लगी हुई है ना, तो मैं क्या बताऊँ आपको। अच्छा, क्या बात है। अच्छा खैर, आप मुझे ये बताइए कि आपने दादू को मेरे आने की खबर तो नहीं दी ना? दादू इंग्लिश स्टाइल? नहीं, मैंने दादा जाने कुछ नहीं। अच्छा किया, अब देखिएगा मैं जाते कितना बड़ा सरप्राइज देती हूँ उनको, खुश हो जाएंगे वो। ठीक है।
मैं तो जा रही हूँ दादू से मिलने। दादू आपकी चाय। क्या हुआ दादू, इतनी हैरानी से क्यों देख रहे हैं? पहचाने मुझे? कौन हूं मैं? रोशनी जी दादू, आपकी पोती रोशनी। तू अकेली आई है, तेरे माँ बाप नहीं है? आप फिक्र नहीं करें दादू, मैं आ गई हूँ ना, आप सब भी आ जाएंगे। मेरे मरने से पहले अगर वो आ जाता तो मेरा सफर आखिरत आसान हो जाता। दादू आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? इसलिए सोचता हूँ सर, मरने के बाद लोग ये ना कहें कि देखो कितना बदनसीब बाप है। अपने बेटे के होते हुए गैरों के कंधों का सहारा ले रहे। पापा जरूर आएंगे, मुझे पूरा यकीन है वो जरूर आएंगे। वो पापा अपनी अपनी इस आजाद मुल्क में जरूर वापस आएंगे, मुझे पूरा यकीन है। आप मुझ पर भरोसा रखें, वो पापा कुछ देर के लिए जरूर भटक गए लेकिन पापा भटके हुए इंसान नहीं है दादू, भटके हुए इंसान नहीं है। इसकी खुशबू उसके अंदर उतर जाएगी, जरूर आएगा जी दादू, जरूर आएगा, जरूर आएंगे। बहुत आला, बहुत उम्दा आता, बहुत ही मोटिवेशन स्पीच दी है तुमने। एंड आई एम श्योर हमारी यूथ जरूर मोटिवेट होगी। सो ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू। सदरे ग्रामी कदर और मौजिज नाजरी, हम जो हैं आज आपको 14 अगस्त 1947 के बारे में बताने जा रहे हैं। दादू बस बस लास्ट आखिरी मेरी खातिर That's like my great dadu. मजे का था? कैसा था? बहुत अच्छा। कुछ नहीं होता, you will look cool and smart. Okay.
किसी ने क्या खूब कहा है, असल से सूट प्यारा होता है। जब से रोशनी आई है इस घर में, मुझे लगता है जैसे जो कुछ मैंने खोया था वो सब बल्कि उससे भी ज्यादा पा लिया। काश वो नालायक भी आ जाता। करीम, मेरी पोती कैसी लगी? हाँ, कैसी लगी रोशनी? मैं बोलते ही उन्हें बोलते नहीं, तो बोलो ना कर। दादू करीम को तो मैंने कब से भगा दिया। मुझे देखता हूँ ना तो बस वो मेरा पापा मुझे याद आ जाता है। वो ना काश क्या आप कभी दादू अब आप नहीं रोएंगे? खबरदार जो अब आप रोए तो दादू, मुझे पता है कि आप पापा को मिस करते हैं ना। नहीं, मैं मिस नहीं करता हूँ, मुझे याद नहीं आती नालायक। प्यारे दादू, आंखें सच बोलती हैं और झूठ भी, और मुझे पता है कि आप पापा को बहुत याद करते हैं और उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। दादू, आप इतनी मोहब्बत करते हैं पापा से, आप मुझसे वादा करें कि आप पापा को दिल से माफ कर दें, एक दफा दिल से माफ कर दें उन्हें। अगर आप मेरी बात मान जाएंगे ना, तो मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं पापा को यहाँ बुला लूँगी और यहाँ आपके पास आ जाएंगे और हमारे पास आ जाएंगे। वादा कर रहे हैं ना? पक्का वादा? पक्का वादा ना? मेरे प्यारे दादू, दादू के लिए एक कप चाय बना के लाओ। बिल्कुल, मैं अभी जाती हूँ और आपके लिए मजे की चाय बना के लाती हूँ, वो भी चुटकियों में, ठीक है? मैं भी आई। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। ये अच्छा बंदोबस्त कर दिया, गुब्बारे वगैरह, माशाल्लाह माशाल्लाह। वही करीम, आज क्या है? 14 अगस्त। और आपकी दादू, मैं बस एक मिनट में आई। अच्छा बेटा, अच्छा बेटा, तो मैं तैयारी कर ले। केक नहीं खाएंगे? आओ भाई बहन, करीब आ जाओ। करीब क्या, लो आप भी आ जाओ। आओ जी जी। हाँ, पलेटे वलेटे इधर कर लो थोड़ी, आगे आगे अपने। हाँ लो भाई। कमाल करते हैं पापा आप भी, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आप फैसला लेने में आखिर इतना वक्त क्यों ले रहे हैं। इस मुल्क को आजाद करवाने में जो इतनी जानों का नजराना दिया गया, क्या इस बात की जरा सी भी हैसियत नहीं है आपकी नजर में? इतनी लंबी चौड़ी तकरीर करने की कोई ज़रूरत नहीं तुमको। अगर पापा की इतनी याद आ रही है तो तुम वापस क्यों नहीं आ जाती? नहीं पापा, मुझे यहाँ आकर ही इस बात का एहसास हुआ है कि जो मज़ा जीने मरने का अपने मुल्क में है ना, पराए देश में कहाँ। एक दिन आपने इस मुल्क को छोड़ा था और आज बेटी अपने बाप को छोड़ रही है। अरे भाई तुम तो परेशान हो गई, मैं मजाक कर रहा था। मैं और तुम्हारी मामा कल रात हमेशा हमेशा के लिए वतन लौट रहे हैं। मैं ही नहीं, लाखों पाकिस्तानी वापस आ रहे हैं। सच में पापा, आप मजाक तो नहीं कर रहे ना वाकई? आई लव यू पापा, आई मिस यू टू,
टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मामा को प्यार दीजिएगा। टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच अल्लाह जी, थैंक यू सो मच। मजा आ गया भाई, अच्छा लगा बच्चों, खाओ खाओ खाओ। करीम, रोशनी कहाँ है? अरे आज तो हर तरफ रोशनी ही रोशनी है दादाजी। नहीं यार, वो तो मुझे पता है, अपनी रोशनी कहाँ है उससे कहो मेहमान आ चुके हैं, खाना लगवा। अरे वो तो मेरी जिम्मेदारी है दादाजी, हम लगाते हैं। दादाजी एक बात बताएं, आप खुश तो हैं? बहुत खुश, बहुत ही खुश। सदर गिरामी और मौजूद हाजरीन, आज मैं अपनी तकरीर का आगाज मौलाना नसरुल्ला खान अजीज के उस शेर से करता हूं जिसमें मौलाना साहब कुछ यूं फरमाते हैं, इश्क पर कर दूं फिदा मैं अपनी सारी जिंदगी, लेकिन आजादी पे मेरा इश्क भी कुर्बान। तो मौजूद सामीन, आज हम अपनी जश्न आजादी मना रहे हैं, आज हमारा दिल खुशियों से लबरेज है और हमारे सीने मुसर्रतों से मामूर है, और क्यों ना हो, क्योंकि आजादी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है और गुलामी दुनिया की सबसे बड़ी लानत है। आजादी की जिंदगी का एक सांस गुलामी की जिंदगी के हजार साल से बेहतर है। गुलामी लानत का एक तौक है और आजादी खुदा की रहमत का हार। गुलामी एक वो जहर है जो आपकी सलाहियतों को जंगालूदा कर देता है। गुलामी अपनी अना को फना के घाट उतारने का नाम। गुलामी दर हकीकत अपनी मुसरते पामाल करने की रस्म कदीम भी है, जबकि आजादी बुलबुल में शाहीन की अदाएं पैदा करती है, टिड्डियों को शहबाजों से लड़ाती है। आजादी अपने अफकार और नजरियात की अशात का नाम है और गुलामी अपने ही अफकार और नजरियात का जनाजा अपने ही कांधों पर उठाकर जिंदा दरगोर होने का मुजुर्माना फील। आखिर में बस यही कहूंगा, पाकिस्तान जिंदाबाद।